दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ माय इंटरडे में दोस्तों बैंक निफ्टी में निफ्टी में दो दिन से बिल्कुल एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंडिंग मूव और बहुत सारे लोग ट्रेंडिंग मूव को कैप्चर नहीं कर पाए मेरे पास ढेरों मैसेज आए कि सर ट्रेंडिंग मूव को कैसे कैप्चर किया जाए तो आज मैं उसी के ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं मार्केट में ट्रेंडिंग मूव को कैसे पहचाने और उस पर कहां और कैसे ट्रेड लिया जा सकता है तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल आपके चैनल योर इंटरडे कोच में दोस्तों आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है अगर गौर करें आप तो यहां तक मार्केट फ्लैट था यह मार्केट पूरा का पूरा क्या था फ्लैट था इसके बाद ये दो बड़ी कैंडल बनी फिर मार्केट फ्लैट हुआ लेकिन इसके बाद जो मूवमेंट हुआ है वो मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट चला गया इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग मूव इसको क्या बोलते हैं ट्रेंडिंग मूव तो इस मूव को कैसे कैप्चर करते हैं उसके बारे में आज हम आपको वीडियो बना रहे हैं आप उसको समझने की कोशिश करेंगे आपको आसान लगेगा बिल्कुल आसान लगेगा तो हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पर जिस चार्ट का हम लोग यूज करते हैं निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं देखिए आज के दिन मार्केट कैसा रहा ट्रेंडिंग रहा ये हमारी पंद्रह मिनट की कैंडल है आप पंद्रह मिनट की ले सकते हैं दस मिनट की ले सकते हैं पांच मिनट की ले सकते हैं जो कैंडल आप लेना चाहें ले सकते हैं तीन मिनट की भी ले सकते हैं एक मिनट की भी ले सकते हैं कोई भी आप कैंडल लेकर चल सकते हैं तो आप देख रहे हैं ये मूव कैसा है यहां से लेके यहां तक पूरा ट्रेंडिंग मूव है अब आखिरकार ये मूव कैसे कैप्चर किया जाए यहां पर भी देखिए मार्केट एक तरह से अफवा डायरेक्शन में गया है फिर ये नीचे आया है फिर ये अफवा डायरेक्शन में गया है फिर ये नीचे आया है फिर ये अव्वर डायरेक्शन में गया है फिर नीचे आया है ये अव्वर डायरेक्शन में गया है ये नीचे आया है, ये अव्वर डायरेक्शन में गया है ये नीचे आया है। अब आपके पास दो तरीके हैं पहला तरीका तो है विदाउट एनी इंडिकेटर आप बिना इंडिकेटर के ट्रेंडिंग मूव कैसे पहचानेंगे दूसरा है इंडिकेटर की मदद मतलब से तो आप कुछ भी कर सकते हैं अब देखिए मैं आपको बताता हूं पहले परसों वाला जो मूव था ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है अगर आप गौर करें तो मार्केट ने मैं आपको दिखाता हूं समझ में आपको आएगा देखिए मार्केट यहां से यहां तक कैसा था ये मार्केट एक रेंज में था मार्केट रेंज में किसको कहते हैं जब मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सेम डायरेक्शन में जाता है जिधर से चलना स्टार्ट करता है एक हाई बनाता है फिर उधर तक वापस आता है फिर हाई बनाता है फिर उधर तक वापस आता है फिर हाई बनाता है फिर उधर तक वापस आता है फिर हाई बनाता है इस तरह से मार्केट क्या होता है रेंज में होता है इसको रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं ठीक है ये मार्केट किस में है रेंज में है तो रेंज बाउंड मार्केट से जब भी मार्केट निकलता है तो एक रैली देता है अब आप देखिए इस दिन ये मार्केट निकला ये गया थोड़ी देर पॉज हुआ पॉज होने के बाद फिर ऊपर गया और फिर यहां पे आके इसने क्लोजिंग दे दी नेक्स्ट डे मार्केट अपने हाई के ऊपर आप जी देख रहे हैं ये अपने हाई के ऊपर पहली कैंडल में निकल गया इसके बाद मार्केट ऊपर गया फिर ये फ्लैट हुआ फिर ऊपर गया ये लो बनाया फिर ऊपर गया ये लो बनाया फिर ऊपर गया ये लो बनाया फिर ऊपर गया, गया ये लो बनाया ये फिर ऊपर गया ये लो बनाया ये फिर ऊपर गया तो इस तरह से मार्केट जा रहा है तो आखिरकार इस मार्केट को हम पकड़ें कैसे तो इस मार्केट को पकड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हमें नहीं पता कि मार्केट खुलने के बाद ट्रेंडिंग होगा या क्या होगा अब मान लीजिए मार्केट ये इकतीस तारीख की बात हम करते हैं इकतीस इकतीस तारीख को मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया रेंज को ब्रेक करने के बाद फिर क्या हुआ इसने एक छोटी सी रेंज बनाई दो कैंडल इसमें ऊपर गई इसमें एक छोटी सी रेंज बनाई आपको क्या करना है इस रेंज के हाई के ऊपर बाय करना अब देखिए ये इसका लो था इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग लो ये बनाया इसने स्विंग हाई तो स्विंग हाई और स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट इस रेंज में घूमता रहा इसके बाद इसने स्विंग हाई तोड़ा फिर ये ऊपर गया तो ये स्विंग लो था अब इसका नया स्विंग हाई ये हो गया इसके बाद मार्केट धीरे-धीरे धीरे-धीरे नीचे आया और फिर ऊपर गया तो ये इसका फिर से स्विंग लो हो गया इस लो के ये ऊपर है इस हाई के ये ऊपर है तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो वो हमेशा इस तरह से जाएगा इस तरह से जाएगा तो ये कहलाता है आपका स्विंग हाई ये कहलाता है स्विंग लो ये कहलाता है स्विंग हाई ये कहलाता है स्विंग लो ये कहलाता है स्विंग हाई ये कहलाता है स्विंग लो ये कहलाता है स्विंग हाई अब कब तक आपको मार्केट में बने रहना है आप इस हाई के ऊपर बाई कर सकते हैं जो सेफ ट्रेडर है यहाँ पर आप बाई करिए यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे आप बाई करेंगे ये स्टॉप लॉस रहेगा जैसे कि अगर हम यहाँ की बात करें मार्केट में आपने देखा कि इस स्विंग हाई के मार्केट ऊपर निकला यहाँ पर आप क्या करेंगे स्टॉप लॉस लगा देंगे आप तब तक मार्केट में बने रहेंगे जब तक कि आपका ये स्टॉप लॉस टूटता नहीं है ये नहीं टूटा मार्केट ऊपर गया फिर इसने ये लो बनाया फिर मार्केट ऊपर गया ये लो बनाया फिर मार्केट ऊपर गया ये लो बनाया तो आप देखेंगे ये क्या कहलाएगा स्विंग हाई कहलाएगा ये स्विंग लो कहलाएगा ये स्विंग हाई कहलाएगा ये स्विंग लो कहलाएगा आपको क्या करना है अगर आपने इस जगह बाय किया है ये स्टॉप लॉस आपने लगाया ये स्टॉप लॉस अगली बार ये लो बना के ऊपर गया है मार्केट जब इसको तोड़ देगा जब इस हाई को तोड़ देगा ऊपर जाएगा तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ ट्रेल कर दे फिर वे मार्केट ऊपर गया नया स्विंग हाई बनाया नया स्विंग लो बनाया आप अपना स्टॉप लॉस यहां पर ट्रेल कर देंगे इसके बाद मार्केट अगेन ऊपर गया ये स्विंग लो बनाया आप अपना स्टॉप लॉस यहां ट्रेल कर देंगे फिर ऊपर गया आप यहां आया नीचे ये स्टॉप लॉस आपने लगा दिया तो ये इस दिन कंप्लीट हो गया नेक्स्ट डे क्या हुआ आप अगर अपनी पोजीशन होल्ड किए हैं तो आप देखेंगे ये स्विंग हाई बनाया ये स्विंग लो बनाया तो ये स्विंग हाई हो गया ये स्विंग लो हो गया आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया फिर ये स्विंग हाई बनाया आपने स्टॉप लॉस यहां ट्रेल किया इससे ये ऊपर है आपका स्टॉप लॉस कटेगा नहीं ये ऊपर गया ये स्विंग लो बनाया यहां पर ये ऊपर गया यहां पर अभी मार्केट एक रेंज में चल रहा है तो आप देखेंगे कि मार्केट हमेशा स्विंग हाई स्विंग लो बनाता हुआ जाता है आप यहाँ पर इसमें बाई करते हैं यह स्टॉप लॉस लगाया स्टॉप लॉस को आप ऊपर की ओर ट्रेल करते रह जाइएगा तब तक करना है जब तक कि आपका स्टॉप लॉस कट ना जाए तो ये मार्केट में रिवर्सल कब आएगा मार्केट में रिवर्सल आएगा जब मार्केट इस स्टॉप लॉस को कट करके नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा ऊपर आने के बाद ये अगेन नीचे जाता है तो आप समझ लीजिए कि ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है तो इस तरह से हम किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ सकते हैं तो ये तो थी बात निफ्टी की हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की निफ्टी बैंक का चार्ट खोल लेते हैं ये देखिए ये निफ्टी बैंक का चार्ट है. अगर आप गौर करें मार्केट ने यहां पर एक रेंज बनाई थी इस रेंज को इसने तोड़ा अगर आप गौर करें हल्का सा ये नीचे आया फिर ऊपर गया हल्का सा नीचे आया फिर ऊपर गया हल्का सा नीचे आया फिर ऊपर गया ये नीचे आया ये आया ये आ गया तो अगर आपने यहां कहीं बाइंग किया होता ये स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते गए होते यहां से यहां तक तो ये स्टॉप लॉस यहां जाकर करता आप यहां पर आपको एग्जिट होना था तो आपको करना कुछ नहीं है केवल आप चाहे पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम में देखें चाहे पांच मिनट के टाइम फ्रेम में देखें आपको स्विंग लो जो होता है उसको पहचानना है और वहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है और जैसे जैसे नया स्विंग हाई स्विंग लो बनता चला जाता है हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं तो अगर किसी ने यहां पर इसमें एंट्री की होती तो ये लगभग सैंतीस पाँच सौ के आसपास था और यहां पे एग्जिट हुआ होता तो छत्तीस छः सौ के आसपास यानी आप ग्यारह सौ पॉइंट की रैली कैच कर सकते थे तो ये तो कल की बात हो गई अब आज की बात करते हैं ये पाँच तारीख है हमारी यहाँ पर पाँच तारीख है ये ओपनिंग हुआ ये मार्केट यहाँ गया इसके बाद इसने एक हल्का सा फ्लैग पैटर्न कह लो या फिर दो तीन कैंडल फ्लैट हुई इसके कहीं एंट्री करते तो यहां से लेके यहां तक का पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे तो दोस्तों बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मुश्किल कहां होती है जब मार्केट रेंज में रहता है आप बाई करते हो आपका बार बार आप बाई करते हो मार्केट नीचे आता है फिर बाई करते हो मार्केट नीचे आता है फिर बाई करते हो मार्केट नीचे आता है तो आप इस मार्केट में फंस सकते हो लेकिन इस मार्केट में नहीं फंस सकते क्योंकि जब मार्केट रेंज में होता है तो देखिए ये बड़ी बड़ी विक बनाता है ये विक को कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग ये हंटिंग होता है मतलब जो लोग यहाँ इसके नीचे बाई किए होते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए रखे होते हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस कट हो जाता है तो दोस्तों ये तरीका होता है किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट को कैच करने का हमको नहीं पता आपको नहीं पता मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है लेकिन हम कम से कम मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी पोजिशन बना सकते हैं और एक स्टॉप लॉस डाल के रख सकते हैं अब देखिए आगे क्या हो सकता है अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी यहां से अगर आप देखें तो ये जो रेंज इसने तोड़ी थी पैंतीस से सैंतीस तक पहुंच चुका है लगभग लगभग सत्रह से अट्ठारह पॉइंट की रेंज इसने बना दी है अब आपको क्या करना है कल के दिन अब देखिए जो मैंने अभी समझाया हमें नहीं मार लो मार्केट कल भी ट्रेंडिंग रहेगा कि नहीं रहेगा तो ये इसने इसका हाई बनाया है इसने इसका हाई बनाया है आपको वेट करना है मार्केट क्या इस हाई के ऊपर निकल रहा है कि नहीं या फिर इसने ये रेंज जो बनाई है ध्यान दीजिएगा ये इसने रेंज बनाई है अगर मार्केट इस रेंज के नीचे प्राइस एक्शन बनाता हुआ आता है तो हम क्या करेंगे इस रेंज से मार्केट अगर नीचे आता है तो वो यहां से भी रिवर्स हो सकता है यहां से भी रिवर्स हो सकता है तो हम बाइंग कहां करेंगे और सेलिंग कहां करेंगे बाइंग कोशिश करिए आप इसके ऊपर आप बाइंग करेंगे कल एक्सपायरी है कल एक्सपायरी है मार्केट दोनों तरफ का मूव दिखा सकता है ऊपर के साइड का भी मूव नीचे के भी साइड का मूव तो आपको प्रिपेयर क्या कहां रहना है ये देखिए ये ऊपर गया मार्केट इसने यहां पर एक रेंज बनाई है अब मार्केट इसके नीचे है तो मार्केट कहाँ से रिकवर हो सकता है इस पॉइंट से रिकवर हो सकता है इस पॉइंट से रिकवर हो सकता है तो मार्केट में आपको वेट करना है जब तक मार्केट इस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट में रिवर्सल या डाउन डायरेक्शन में आपका ट्रेड एक्टिव नहीं होगा मार्केट को पहले इस लेवल को जो ये लेवल इसने बनाया था इस लेवल को ब्रेक करना होगा रिटेस्ट करना होगा उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ चलेगा तभी इसमें सेल की पोजीशन बनेगी इसको मार्केट को बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट तो ट्रेंडिंग मार्केट में आप क्या कर सकते हो यहां पर यहां पर आप बाई कर सकते हो और ये इस मार्केट को जब ये ब्रेक कर देगा और इसको फिर से रिटेस्ट करेगा उसके बाद इसमें सेलिंग करना है बाइंग कहाँ करोगे आप बाइंग करोगे इस लेवल के ऊपर तो एक तो ये तरीका है जो हमने आपको बताया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन आप पर ट्रेड करोगे सेम निफ्टी के लिए हम आपको बता देते हैं निफ्टी में है निफ्टी में देखिए क्या ने ये रेंज बना दी इसने एक डेढ़ घंटे की रेंज ठीक है ना अब मान लो इसको ये ब्रेक करता है कल के दिन तो ब्रेक करने के बाद जब इसको रिटेल करके नीचे जाएगा तब हम इसमें सेल करेंगे अगर कल मार्केट तुरंत नीचे आता है तो हम तुरंत इसमें सेल नहीं करेंगे हम इसको ऊपर आने का इंतजार करेंगे और सत्रह नौ सौ से ये फिर से जब घूमेगा तब हम इसमें सेल करेंगे तो ये तरीका है इसमें सेल करने का या फिर आप कोई भी एक ई एम ए लो एक लाइन डाल दो इस लाइन के आसपास जब भी मार्केट आए तो आप बाइंग कर सकते हो इस लाइन के नीचे चला जाए मार्केट तो आप एग्जिट कर सकते हो किसका ई एम ए डाल सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे इसमें कर सकते हो यहां पे आप आइए यहां पर आप डाल दीजिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का आप क्या कर सकते हो एक एक इसमें इनपुट ले सकते हो यहां पर आप थर्टी थ्री का डाल दीजिए थर्टी थ्री का आप मूविंग एवरेज लगा दीजिए ये थर्टी थ्री का मूविंग एवरेज आ गया ठीक है हम वैसे ट्वेंटी वन का भी यूज करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो आप बताइए यहां पे मार्केट क्या कर रहा था ई एम ए फ्लैट था अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मार्केट क्या था फ्लैट था ई एम ए फ्लैट था इस ई एम ए के बाहर जब निकला है मार्केट तो देखिए इसको टच किया फिर ये ऊपर गया है इसको टच किया फिर ये ऊपर गया है इसको टच किया अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट जब तक इस ई एम ए को रिस्पेक्ट कर रहा है ऊपर जा रहा है तब तक हम क्या करेंगे बाइंग पोजीशन में रहेंगे जब भी मार्केट इस लेवल के पास आएगा इस लेवल के पास आएगा यहाँ से बाउंस करेगा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बाइंग कर सकते हैं जब वो मार्केट इस ई एम ए को एक बार ब्रेक कर दे फिर ऊपर जाए क्योंकि ई एम ए फ्लैट हो जाएगा ब्रेक करोगे ऊपर जाएगा और फिर ई एम ए के पास से इसको हम शॉर्ट करेंगे तो एक तरीका आप ये अपना सकते हो क्योंकि मैं प्राइस एक्शन अपनाता हूँ तो मैं जनरली ई एम ए का यूज नहीं करता हूँ मैं केवल प्राइस को देखता हूं उसके एक्शन को देखता हूं इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप इस मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हो आजकल चूंकि मैं बिजी रह रहा हूं इसलिए दिन भर मैं कंप्यूटर पर नहीं होता हूं इसलिए आपको कोई अपडेट मार्केट आवर्स में नहीं कर पाता हूं तो दोस्तों मुझे लगा लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अब आप किसी भी ट्रेंडिंग मूव को चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो आप इसको कैच कर लोगे अगर आप गौर करें तो जब मार्केट गिर रहा था तो मैं आपको दिखाता हूं पीछे का देखिए जब मार्केट गिर रहा था तो क्या हो रहा था मार्केट जब गिर रहा था ये देखिए, ये ये में आया इसको टच किया फिर आया फिर टच किया फिर आया फिर टच किया फिर आया फिर टच किया फिर आया यहां तक मार्केट आया जब तक आप ई के पास मार्केट में बने रहेंगे आप बिल्कुल परेशान मत होइए जब तक मार्केट इसके नीचे है आप नीचे रहिए जब मार्केट इसके ऊपर है तब आप बाई पोजीशन में रहिए आपके लिए सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ धन्यवाद